नमस्कार सत्य सकाल को स्वागत करुछी मु निवेदिता मो सहित अच्छा मो सहयोगी नमस्कार मु अपूर्व निवेदिता जो कहले सत्य सकाल आम प्रत्येक दिन किसी खबर शिरोनामा सहित आलोचना करूँ आम रिपोर्टरों ठूँ तथ्य नौ तत्सत सत्य सकाल को आहरी सतेज करने आम सहित जन अतिथि था तो निवेदिता आज प्रथम खबर जहाँ रही आरंभ करवा कोरोना महामारी बेले अनेक रोगी निश्वास प्रश्वास नेबारे कष्ट अनुभव करुछन्ती। प्रथम लहर बेलु आपण जानिथिबे जे जो सब सिम्टम सामना को आसीथिला निश्वास प्रश्वास नेबारे कष्ट अनुभव करिबा तसहित कुंडे हेबा गोटे जगह नाली पड़जा विभिन्न लक्षण विभिन्न समय आसी कोरोना को नहीं तो जो निश्वास प्रश्वास नाक नहीं जो लक्षण सामना को आसी अनेक रोगी निश्वास प्रश्वास कम थे से जापारे ना यह सामना को आसी जहाँकि हापी हाइपोक्सिया रोग लक्षण होता पारे कहुचे जहाँकि एक सांघातिक रोग तेणु ये रोग या व्यक्ति नियमित व्यवधान में निश्वास प्रश्वास मापिबा उचित तसहित गत किछ वर्ष पूर्व साइन फ्लू रोग व्यापी से इक्मो चिकित्सा अपना जाए केवल फुसफुस संक्रमण अधिक होगा जो आवश्यक पड़ू तेणु जेहेतु यह खबर सामना को आसुची तो क्योंकि क्यों आवश्यकता रही जदि क्या निश्वास प्रश्वास नवे कष्ट अनुभव होेणु ताक प्रत्येक दिन मापिबा उचित जहाँफल कि ये सांघातिक कौन स्वास्थ्यगत समस्या से दूरे पारे। दिव्यज्योति महांत प्रतिनिधि फोन लाइन अच्छा अधिक सूचनापी दिव्यज्योति जहाँ सूचना आँचुच्च हापी हाइपोक्सिया रोग लक्षण होता पे जहाँ कि कहु सांघातिक रोग या आप कौन अपडेट देखो अपूर्व निश्चित भाव जिते आम कोरोना संक्रमित हो समय निश्वास प्रश्वास नेबारे बहुत कष्ट अनुभव हुए किसी जगार ऑक्सीजन सैचुरेशन कमी जाए बट आम जापारू आम ऑक्सीजन सैचुरेशन कमी जाए जहाँ हापी हाइपोक्सिया बोली कहुए जिते आम जापारूना यह अति सांघातिक हो जाए से विशेषज्ञ मैंने मत दौंट आपण घरे ऑक्सीमीटर रखी बारंबार आपणकर ऑक्सीजन लेवल चेक करूँ जांच करूँ जहाद्वर आप जापर जो आपंकर ऑक्सीजन लेवल केते रहुची एवं जदि ऑक्सीजन लेवल नब्बे तल को जाए तुरंत डाक्टर परामर्श नियंतु मेडिकल एडमिट हो जातु एभली किसी परामर्श सब बड़ कथा होदी आप देखिए जयंत पंडा डॉक्टर जयंत पंडा जो परामर्श दे सब गुरुत्वपूर्ण से कहते कोविड हेबार तीन मास पर देहरे किसी लक्षण देखा जाए तीन मास पर्यंत कोविड पर पोस्ट कोविड रे आपणकर विभिन्न लक्षण देखाई था जमीक काश होगा आपणकर निश्वास प्रश्वास नेबार कष्ट होगा किंबा अन्य जो सब जमीक मानसिक अवसाद हो मुंड बिंधा हो किंबा निद न लगवा भोक न लगवा एभली अनेक लक्षण रही कोविड तीनी मास पर अर्थात पोस्ट कोविड रे ये सब लक्षण देखाई थाए से दृष्टिकोण तीनी मास अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ये तीनी मास आपण को साधारण रहिबार अछि चलिबार अछि एसब कथा को जयंत पंडा गतकाली कहिछन्ती आउ गोटे कथा आपण देखिबे इक्मो चिकित्सा विषय आम तो आलोचना करछे ए विषय जो गोटे वितर्क लागि रहिछि इक्मो व्यवस्था इक्मो चिकित्सा केते सफल एहार केते प्रभाव रहिथाय जणे संक्रमित पाखे आप देखु अनेक लोक जो मैंने इक्मो चिकित्सा द्वारा चिकित्सित होती भितर बहुत कम लोक सुस्थ हो तो बर्तमान कहुच इक्मो द्वारा 40% सफलता ही मिल पार जो मैंने इक्मो मेसीन द्वारा चिकित्सित होती भितर 40% रोगी ही सुस्थ हो पार 60% रोगी डेथ हो जात इक्मो मेसीन लास्ट स्टेज रे रोगी को निजाए जिते बड़े कौन सी विकल्प न था ऑप्शन न था वेंटिलेटर कार्य करे ना से समय इक्मो मेसीन कार्य दरकार पड़े इक्मो मेसीन से आरंभ होता कार्य जो स्वाइन फ्लू आसला से समय फुसफुस काम करूला से इक्मो मेसीन को व्यवहार कराला इक्मो मेसीन कौन से आवश्यक पड़ नाला कि बर्तमान कोरोना रोगी उठे जेहतु देखा लंग्स प्रोब्लेम हूँ फुसफुस काम कर आवश्यकता पड़ू राज्य बाहर को चिकित्सा लोक मैंने जाते रोगी मैंने जाते कि जहाँ सूचना आसमें शत प्रतिशत सफलतार कौन संभावना ना 40% सफलता मिलू जेहेतु शिशुं फुसफुस संक्रमण हार कम रही एक आश्वस्त खबर सेपटे हापी हाइपोक्सिया सांघातिक रोग बोली विशेषज्ञ प्रत्येक व्यक्ति जे कि श्वास प्रश्वास नेबारे अनुभव करुछंती कष्ट अनुभव करुछंती सेमाने प्रत्येक मास व्यवधान रे आरो मापिबा उचित बा हापी हाइपोक्सिया रोग जेतु कहा जाउछ अति सांघातिक गोटे
तेणु निश्वास प्रश्वास मापिबा आवश्यक हो पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांती आम प्रतिनिधि जे कि पूरा अपडेट देउथले। निहंती अपूर्व आम परवर्ती खबर रखिंट जे आप जानते आज अनलॉक 4.0 आरंभ हो जाए राज्य जेहेतु कोरोना संक्रमण ह्रास पाते भी संपूर्ण नियंत्रण को आसीना से लॉकडाउन को संपूर्ण उठाई ना सरकार किसी कटका कोहल कर बहु कटक रही जीवन और जीविका मध्य समय रक्षा करने आउ कि दोकान बजार को अनुमति मिली व्यावसायिक कारबार पर समय सीमा बढ़ी तेज पूर्वपरि सप्ताहत सटाउन और नाइट कर्फ्यू जारी रही है। तेज नियम आज जुलाई 1 तारीख सकाळ 5टा जाए लागू रहिबो। प्रदीप्त महापात्र मो भुवनेश्वर रिपोर्टर ए बाबद्र आलोचना पई आम सहित जोड़ प्रदीप्त जदि कहबा जे जदियो संक्रमण वर्तमान तळमुहा होउछि किंतु कोठना कोठी पूरा पूरी संक्रमण कमी छे एकता कुआ जाय पारे ना सेति पई किछि मात्रा रे कटकणा को कोहल करा जाय छि के उथरे कटकणा कोहल करा जाय छि के उथरे पूरी पूर्व भली कटकणा बलबत्र रही छि तमाम घटना रे अपडेट जानिबा को चाहिबो। गतकाल आपण जानते जे मुख्य शासन सचिव जो सूचना देते जो बार्ता देते राज्यवासी को जे राज्य अनलॉक प्रक्रिया आरंभ हम किंतु ता पूर्वर लॉकडाउन को आउ किछि दिन अर्थात आज ठार जून 17 तारीख रु जुलाई 1 तारीख पर्यंत आंशिक लॉकडाउन रहिबो संपूर्ण राज्य एवं दुईटी कैटेगरी विभिन्न जिला विभक्त करा जमीक आम कह कैटेगरी ए एवं कैटेगरी बी कैटेगरी ए रे 17 जिला रही कैटेगरी बी रे 13 जिला रही 17 जिला मुख्यतः आम देखा जदि दक्षिण ओडिशा एवं पश्चिम ओडिशा रो जिला गुड़िक रही से जिला गुड़िक समस्त दुकान खोलने अनुमति मिली केवल जो सेलून स्पा और जिम भली किसी जनगहली संक्रमण जो संभावना थी जगह को छाड़ बाकी समस्त दुकान खोल जापर एवं सका 6 संध्या 5 पर्यंत दुकान खोलने अनुमति मिली सेपटे देखा जी कैटेगरी बी अर्थात जो अंचल गुड़िक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट पाखापाखी 5% रु अधिक रही किंबा केस लोड अधिक रही एक्टिव केस अधिक रही 13 जिला मुख्यतः रोचे उत्तर ओडिशार समस्त जिला एवं ता सहित पूर्व उपकूल ओडिशार समस्त जिला एमती मिसाई 13 जिला रही जिला गुड़िक सामान्य लॉकडाउन को कोहल कर अर्थात जो कटकणा थिला जे सकाळ 7टा रु 11टा पर्यंत आपण माने अत्यावश्यक सामग्री किणी परिबे बा कोनोसी जिंस जाय किणिया पे बाजार को जाई परिबे सही समय को वृद्धि करचंती राज्य सरकार सकाळ 6टा रु दिन गोटाय पर्यंत अवधि वृद्धि होईची लोक बाजार को आसी परिबे निजर अत्यावश्यक सामग्री किणी परिबे किंतु अन्य कोनोसी दुकान बाजार खोला जाई परिबो नाही शॉपिंग मॉल हो बा सिनेमा हॉल जे अन्यन कोनोसी प्रकार से गुडी को खोला जाई परिबो नै ता सहित राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम मध्य ता उपर संपूर्ण बारण रही धर्म जो धार्मिक अनुष्ठान गुड़िक केवल रीतिनीति चलो जमती पूर्वर चली आसुला एवं बिवाह व्रतघर शुद्धिक्रिया आदि कार्यक्रम जो नियम थिला से नियम बलवत्तर रहिबो एवं ता सहित विशेष भाव जेहेतु लॉकडाउन को नहीं लोक किसी आशा रखिते एथर किसी कोहल हम निहाती भाव संक्रमण स्थिति एवं जो जी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट आसूची ताकु दृष्टि रखिकी सरकार ये पदक्षेप गुड़िक नहीं द्वारा निहाती भाव संक्रमण उपर नियंत्रण रहिबो एवं जो जी संक्रमण व्यापुची ता कमिबो विशेषज्ञ माने मत रखि सारी तेणु आम आशा करिबा जे जुलाई 1 तारीख पर निहाती भाव राज्य में किछटा संक्रमण वर्तमान तुलन में कमी जाइथिबो एवं तापर आहुरी किछि सरकार कोहल करिपारंती किंबा जो पश्चिम ओडिशा और दक्षिण ओडिशार जिला गुड़िक जमती कटकणा को कोहल कराई से ही पदक्षेप यही कैटेगरी बी अर्थात यही उपकूल ओडिशा और उत्तर ओडिशार 13 जिला भी नहीं पारती सरकार निहांती भाव प्रदीप्त जे किसी मात्र अर्थात आंशिक कटकड़ा कोहल करेतु संक्रमण पूरापूरी कमी तेणु यह दृष्टि रखी सरकार एभली एक पदक्षेप नहीं बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप्त महापात्र भुवनेश्वर रिपोर्टर ए बाबद आलोचना करते बिल्कुल अनलॉक 4.0 स्टार्ट आरंभ हो आज लोक मन में बहुत आशा रही है धीरे धीरे कोरोना को हरेबा किंतु निवेदा यह भूली जावा उचित नुहे सरकार कटकणा को कोहल करते किंतु कोरोना एवं आम भितर अच्छी समाज भितर अच्छी तेणु समस्ते पूर्व जेभली सतर्क रोते भी सतर्क रुहतु जमा हाल्का भाव निपटे कोविड संक्रमण को दृष्टि रखी श्रीमंदिर प्रशासन जगा दर्शन कटक अवबुद्धि अवधि को वृद्धि कर श्रीमंदिर कोविड कमिटी सहित तो आलोचना क्रमे जुलाई 25 तारीख पर्यंत श्रीमंदिर को भक्त दर्शन बंद रखी या सहित चलित बर्ष बिना भक्त और कोविड कटक देवस्थान पूर्णिमा और रथजात्रा होने निष्पत्ति आलोक आशुतोष आम पूरी प्रतिनिधि अच्छा सीधा नहीं चलु अधिक सूचना आलोक आहुरी किछि दिन अपेक्षा करबाक पड़िबो ना जगह को दर्शन पाई।
निश्चित अपूर्व रंजन निज चर्मचक्षुरे महाप्रभु को दर्शन करने को आहुरी किछि दिन अपेक्षा करबा पड़िबो एवं आमे कहिबा जगा दर्शन उपर मध्य पुनर्बार रोक लागिला आपण जानिछन्ते जून मास 25 तारीख पर्यंत वर्तमान श्रीमंदिर को साधारण भक्तक दर्शन मना होइगला गतकाली जो भली भाबे वर्चुअल बैठक होला श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार के अध्यक्षता रे ए वर्चुअल बैठक रु स्पष्ट होला एवं निष्पत्ति होला जून मास 25 तारीख पर्यंत श्रीमंदिर बंद रहबे अर्थात रथयात्रा शेष पर्यंत श्रीमंदिर बंद रहबे आपण जानिछन्ते आमे कहि परिबा जून मास 23 तारीख रे जेहेतु महाप्रभुकर नीलाद्री विजय नीति अनुष्ठित हेबो महाप्रभु नीलकंदर को विजय करिवे रत्नवेदी को विजय करिवे तापर 24 तारीख 25 तारीख दुई दिन रहउची दुई दिन भितर गुरुत्वपूर्ण बैठक हेबो बैठक हो सारिकी जदि सिचुएसन परिस्थिति रे सुधार आसी तबे निश्चित भाव में जून मास 25 तारीख रु श्रीमंदिर खोल आपण जानते कोरोनार प्रथम लहर पर गत वर्ष मार्च मस 22 तारीख रु मार्च मस रु श्रीमंदिर पखापाखी 11 मस धरी बंद रहा द्वितीय लहर पर गत एप्रिल मस रु जून मस 15 मे मस 15 तारीख पर्यंत बंद रहा कोरोना संक्रमण पुणि पुनर्बार जिते वृद्धि होगा मे मस 15 तारीख रु चलित जून मस 15 पर्यंत श्रीमंदिर बंद रही है जेहेतु दुई दिन पूर्व श्रीमंदिर जून मस 15 तारीख जाइए और श्रीमंदिर दर्शन अवधि जाइए समस्त गोटे आशा आशंका थी राज्यवासी 4.5 कोटी ओडिया वास्तव में श्रीमंदिर खोल कि ना चर्मचक्षुरे महाप्रभु को भक्त श्रद्धा दर्शन करेंगे कि ना कि गत काल निष्पत्ति निश्चित भाव में भक्त को कौटना कौटी टी आघात पहुंचे कितु कोरोना यह सब निष्पत्ति आप जानते जुलाई 24 में महाप्रभु देवस्नान पूर्णिमा अर्थात आज किसी दिन पर महाप्रभु को जून 24 में महाप्रभु देवस्नान पूर्णिमा 108 गरा सुभाषित जल में महाप्रभु दिव्य स्नान करेंगे देवस्नान पूर्णिमा तमाम नीतिकांति प्रस्तुत हो जाए पर्याय पर्याय क्रमे अपूर्व रंजन समस्त निजोग सहित बैठक सरी जेहेतु आम कहीपर दैतापति निजोग गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही देवस्नान पूर्णिम कारण आम कहीपर महाप्रभु रथयात्रा दैतापति निजोग गुरुत्वपूर्ण भूमिका थाए दैतापति निजोग सहित पर्याय मीट सरी गत काली दैतापति निजोग सहित मुख्य प्रशासकों सीधा सड़क बैठक होता श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय में दैतापति निजोग सभापति सदस्य मैंने मत देते गत वर्ष भरी चलित बर्ष राति गोटे पहंडी करने को तेज निहत भाव में आज कि आसंता दुई दिन भितर छत्तीसा निजोगर गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित हेब ए बैठक पर ही स्पष्ट जना पड़े कहींपर देवस्नान पूर्णिम तमाम नीतिकांति कि भाव रत्ये संख्या किसी सेवायत कोविड पॉजिटिव होइथिबार प्रथम खबर आसीथिला एवं गतकाली खबर आसीथिला जे जने सेवायत कोविड पॉजिटिव होउछंती तो ताहाकु दृष्टि रखी श्रीमंदिर प्रशासन केते गुरुतर सहित नेउछि जदियो एपर्यंत रथ कामरे कोनोसी विलंब होइनाय समस्त नीतिकांति ठीक ठाक चलीछि किंतु जेहेतु कोविड पॉजिटिव मझे मझे सेवायत होउछंती तनो ताकु दृष्टि रखी श्रीमंदिर प्रशासन आउ किछि ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करूछि कि किछि प्लान बी प्रस्तुत रखीछि देखो पूर्वरंजन रथकड़े तो खूब द्रुतगति में काम आगे चलती आप जानते पवित्र देवस्नान पूर्णिमा दिन चारिनाहाक उठार विधि विधान रही कि देवस्नान पूर्णिमी जथेष पूर्व चारिनाहाक उठी जाइए महाप्रभु को इच्छा काम तो जोरसोर चलती सेपटे रथकड़े 26 जन सेवायत कोरोना संक्रमित होइतिबार श्रीमंदिर प्रशासन तरफ सूचना दी जाइए कि समस्ते वर्तमान कहींपर सुस्थ हो रथकाम नियोजित होती कौन से प्रभाव रथकड़े देखा मिले ना कि जड़े रूपकार सेवायत कोरोन संक्रमित होती दुई दिन तले स्वास्थ्य अवस्था भल अच्छे कोरोना संक्रमण सेवायत रथ नियोजित सेवायत मैंने बाहरी मैं रथकड़े कौन से प्रभाव पड़ना सेपटे कितु कहींपर मुख्य मुद्दा रोचे मुख्य फोकस रोच अपूर्व रंजन देवस्नान पूर्णिमा जेहेतु किसी दिन पर महाप्रभु को देवस्नान पूर्णिमा हम कि भाव में केत संख्यार सेवायत मैंने रे पहंडी में केत संख्यार सेवायत मैंने रे सेवायत मान को किभली भाव टीकाकरण को त्वरावित करवायत मान कि भाव परिचय पत्र प्रदान करशासन गत सूचना पहुंची जुलाई 25 तारीख पर्यंत रत्न सिंहासन में जगार दर्शन करें भक्त मैंने निष्पत्ति निजाई तसहत देवस्थान पूर्णिमा तसहत घोषयात्रापी दुईटी श्रीमंदिर प्रशासन जोरसोर प्रस्तुत करुच्च तो निवेदिता आपण को मध्य किसी दिन अपेक्षा करने को पड़ो रत्न सिंहासन जगार दर्शन निहांती भाव में अपूर्व जे महाप्रभु दर्शन से जगार डोरी लगे ही प्रभु दर्शन बेले यारी मध्य महामारी बर्तमान गोटे बड़ बाड़ सदृष्ट हो ढाई भक्त और भगवान मध्य आशा कराऊ प्रभु जगन्नाथ कृपार खूब शीघ्र पूरा विश्व रू कोरोना महामारी दूरे जाऊ पुणी प्रभु दर्शन सुजोग मिलू।
तबे अपूर्व परवर्ती खबर आम रखिंट बंधुक चोरा कारबारे लिप्त अपराधी को नहीं एवं विपद से कटक सहर सहर छोट बड़ अपराधी हाथ में भी एवं बंधुक कुख्यात तो माफिया बंधुक फैक्ट्री मालिक तालचेर टुकुना स्वाई को रिमांड रे आरा पर बंधुक किनिजन को गिरफ्त करतीस एगार बंधुक एकावन राउंड गुड़ पुलिस हाथ में लगी तेज 2020 डिसेंबर 10 2021 जून 16 तारीख भितर अर्थात गला छह मास समय भितर कटक कमिश्नरेट पुलिस यहां मिसाई मोट 44 बंधुक और 181 राउंड गुड़ जबत कर सारा तेज जदि कह टुकुना और तार सहयोगी को जेरा करने पुलिस से कारबार बहु चांचल्यकर तथ्य हासिल कर जबत बंधुक पक्षे डी प्रदर्शक लिंक जमापड़ विश्वजित दास आमक जो प्रतिनिधि बाबद आलोचना सहित जोड़ विश्वजित बर्तमान धीरे धीरे डी ब्रदर लिंक खोल लगी चेर क्यों पर्यंत लंबी कमिश्नरेट पुलिस बड़ चैलेंज यार मध्य साम्राज्य पूरा कला कारनामा धीरे धीरे पर्दाफाश हो जमती कि आप सूचना दौले एगार बंधुक 51 राउंड गुड़ जबत हो तेज चेर क्यों पर्यंत लंबी पुलिस को कते समय लगे देखो डी लिंक रे आउ एक नुआ लिंक जहाँ टुकुना स्वाई जी की गत काली आपण जानते जो भाई सीपी प्रेसमिट करूँ पाखापाखी जो बंधुक गुड़ी जबत हो पाखापाखि एगार बंधुक 51 गुड़ी जबत हो कह जो लिंक डी लिंक जो कहता धड़बदस्त लिंक रे रिमांड अणा जाता टुकुना स्वाई को तालचेर गिरफ्त कर रिमांड अणा जाए पचरासरा तार सहयोगी मैंने जो रही है तीन जन सहयोगी रही से सहयोगी टुकुना स्वाई ठारूब बंधुक कारबार कोलताड़ कर बंधुक सीज कर जो बंधुक गुड़ जबत कर जानते कमिश्नर पुलिस गोटे अपराध मुक्त करने गोटे ड्राइव आरंभ होता स्पेशल ड्राइव आरंभ होता से ही अनुसार देखा धड़बदस्त घर गत किसी मस पूर्व जानते हैं 16 बंधुक 1055 राउंड गुड़ बाहर से ही लिंक तालचेर रु गिरफ्त होता टुकुना स्वाई और सीए टुकुना स्वाई जी हूँ मुख्य कारपटदार जी मुंगेर रु बंधुक आणुला कटक भुवनेश्वर अन्य स्थान को सप्लाई करुला और अपराधिक कार्यक्रम में नियोजित थी लोक मे बंधुक जोगाऊला जब देखा गोटे अर्गानाइज क्राइम पूर्व जिते सब घटना घटू बंधुक कारबार तार मुख्य हूँ से क्राइम घटे बंधुक देखा लुटपाट जाए देखा टुकुना स्वाई हूँ मे मुख्य जी बंधुक व्यवसाय कर मुंगेर रु आ बंधुक दलबदर्शक बेपार चली गोटे गोटे जन को पुलिस गिरफ्त विश्वजित कहते पुलिस कमिश्नरेट पुलिस सब बेले उद्यम जारी रखी केमती अपराध मुक्त विशेषकर ट्विन सिटी को कि अपराध बढ़ुच यार मध्य बंधुक कारबार बढ़ुच्छ के समय लगुच कमिश्नरेट पुलिस को एक ब्रेक लगे नजर रहा बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत दास कटक प्रतिनिधि दास आलोचना कर बिल्कुल कमिश्नर पुलिस बंधुक कारबार उपर ब्रेक लगाओ आम बर्तमान गोटे ब्रेक नहीं जाऊँ बुलेटिन पुणि थे फिर खूब शीघ्र आज किसी खबर सहित ब्रेकफ्रे स्वागत केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय गत 14 तारीख ईमेल रे टीकाकरण परिचय पत्र तालिका रे राशन कार्ड को सामिल करने को कोइन 2.0 गाइडलाइंस नोट रे सात प्रकार परिचय पत्र बाबद उल्लेख रही तेणु राज्य सरकार जातीय खाद्य सुरक्षा आईन दि जाऊ राशन कार्ड को टीका देवाई परिचय पत्र भाव व्यवहार कर राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षर समस्त जिलापाल भुवनेश्वर कटक राउरकेला ब्रह्मपुर और संबलपुर पौर कमिश्नर समस्त जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को चिठी लिखा जाए जनाई राशन कार्ड देखले भी व्यक्ति टीका नहीं पारे संजय महालिक आम प्रतिनिधि अच्छा सीधा नहीं चलु अधिक सूचना पर संजय आउ लोक असुविधा हाँ पड़े ना जदि अगर सतट कार्ड ना परिचय पत्र ना तेणु राशन कार्ड देखले भी टीका नहीं पारे लोकों के सुविधा हम निश्चित भाव अपूर्व जो कथा कहु कि केन्द्र सरकार पक्षर जो स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर जो राशन कार्ड को एक परिचय पत्र भाव में ग्रहण कराध्यम जो मैंने टीका नेबार सुविधा हम यह सहित क्रीड़ाद और पाठपढ़ा जाऊँगा युवक मैंने सहित चाकरी में जोग देवा जाऊँगा युवक मानक आहज हो माध्यम तेज जो कथा कहु कि जो कोविड काल में जो कोरोना युद्ध जो टीका को संजीवनी भाव में ग्रहण कराइम मृत्युर हार कमाई पार बोली जहाँ आशा कराऊँगी तेज ये हूँ एक जुगंतकारी पदक्षेप कहींपर केन्द्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर तेज अंपक्ष आमपर जो विगत दिन मानक जो केन्द्र सरकार पक्षर जो राशन सामग्री फ्री कर टीका
ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ବୋଲି ଫ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଦେଶର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆଜି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ତେବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏ ଟିକାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ କିଭଳି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅପୂର୍ବ ବିଲକୁଲ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଆସିଛି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଯେ ପୂର୍ବରୁ 7ଟି ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଭାରତର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ନାଗରିକ ଯେଭଳି ଭାବେ ଟିକାକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ପରିସୀମାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି ପରିଚୟପତ୍ର ପରିସୀମାକୁ। ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ଏବେ ସାମିଲ କରାଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୌର ନିଗମର କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ପରିଚୟପତ୍ର ନାହିଁ, କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକା ପାଇଁ ପରିଚୟପତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ରାସନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଟିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଇଏ ନିହାତି ଖବର ଆସିବା ପରେ କମ୍ସେ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିସାରିଥିବ ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଅପୂର୍ବ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଆଇଟି ନିୟମକୁ ପାଳନ ନ କରିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତଥା ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟର ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା ଇଣ୍ଟରମିଡିଆରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାନ୍ୟତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ବସିଛି କମ୍ପାନୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟ୍ୱିଟର ନ ଶୁଣିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଯଦି କହିବା ଯେ ଟ୍ୱିଟରକୁ ବେଶୀ କରି ଏବେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଛୋଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୱିଟର ଯେଉଁ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି, ଯେଉଁ ନିୟମକୁ ଆଇଟି ନିୟମ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟ୍ୱିଟରକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି, ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ଟ୍ୱିଟର ବାସ୍ତବିକ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି, ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯଦି ଆମେ ବିଜନେସର ହବ୍ ବୋଲି କହିବା, ତା ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରହିଛନ୍ତି ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭାରତକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି। ସେ ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ଟ୍ୱିଟର ହଉ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସେ, କାହିଁକି ନା ଭାରତରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଯୋଉ ବିଜନେସ ମେନ୍ ମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ଭାରତ ରହୁଛି। ଟ୍ୱିଟର ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ବା ବିଜନେସ ଟ୍ୱିଟରର ମେନ୍ ବିଜନେସ ହବ୍ କହିଲେ ଭାରତ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ୱିଟର ନିଜକୁ ଫ୍ରି ସ୍ପିଚ୍ ଅଫ୍ ବାହକ ବୋଲି କହେ, ମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ବାହକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଟ୍ୱିଟରକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା କିଛି ଜାରି କରାହଉଛି ସେତେବେଳେ ଇଏ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛି। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଆଇଟି ନୂଆ ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ କରାଗଲା ମେ 26ରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ରହିଛି ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ନୂଆ ଆଇଟି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦେଖାଗଲା ମାସେ ଭିତରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ମାସେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମାସ ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଇଭିନ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତା ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ହଟେଇଥିଲେ, ଆରଏସଏସ ର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ମୋହନ ଭାଗବତ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଗୁଡିଏ ତିକ୍ତତା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ମଧ୍ୟରେ ବିଗତ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରହିଛି ଭାରତରେ ରହିବାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଭାରତରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବିଜନେସ କରିବାର ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଛି, ତେଣୁ ଭାରତରେ ଯୋଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିବ, ଭାରତରେ ଯୋଉ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, କାହିଁକି ନା ଭାରତର ଯୋଉ ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି ରହିଛି ତା ଗୋଟେ ସଫ୍ଟନେସ୍ ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି, ତାର ଅନେକ ଫାଇଦା ସମସ୍ତେ ଉଠେଇ ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ହଉ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହଉ, କେହି ବି ଭାରତରେ ଯୋଉ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ ସେଥିରେ ଯଦି କିଏ ବି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ବା ଯଦି ଭାରତରେ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିବ, ଯୋଉ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିବ ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ନେଇ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟର ଅମାନ୍ୟ ହେବା ଶେଷରେ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନିବେଦିତା ସେଇ ସୁରକ୍ଷା ହଟିଛି। ନିହାତି ସୁରକ୍ଷା ଅଟିଛି ଏବଂ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଅପୂର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୱିଟର ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ଯାହାକି ଟ୍ୱିଟର ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ସମୟ ଆଲୋଚନା ତ କରିବା ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପରେ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ିହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା।
ବ୍ରେକ୍ ପୁଣିଥିଲେ ସ୍ୱାଗତ। ସତେ ସକାଳରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ରହିବେ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି ସକାଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ମଧ୍ୟ ବଖାଣିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଗପସପ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3631 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 506 ଓ କଟକରୁ 438 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ଆଉ 39 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଅନ୍ଲକ୍ ଆରମ୍ଭ, 14 ଦିନ ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଂଶିକ କୋହଳ, 17 ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା ଅଧିକ କୋହଳ। ରାଜଧାନୀ ସମେତ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୋକାନ ବଜାର 11 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ଖୋଲା, ବାକି ସବୁ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର। ନୟାଗଡ଼ର କୁନି ବେବିକୁ ମାରିଲା କିଏ, ପୁଣି ପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ନିଖୋଜର 5 ଦିନ ପରେ ମିଳିଲା ନାବାଳିକାର ମୃତଦେହ, ଜଣେ ଅଟକ ଥିବା ସୂଚନା। ଅଙ୍କ ତସ୍କରୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ପୋଲିସ କରିବ ତଦନ୍ତ, ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଧରା ପଡ଼ିଲା ଟ୍ୱିଟରର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଖେଳ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଏବେ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ। ଜାଣିଶୁଣି ହିଂସା ବଢ଼ାଇବା ଭଳି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ହେଲା ମାମଲା ରୁଜୁ। ଟ୍ୱିଟରକୁ ଜବାବ ମାଗିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟଙ୍କ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫୋର୍ସର ସୁପରକାଷ୍ଟ, କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ମହିଳା। ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଜେ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାର୍ସଲ ସହ ମେଡିସିନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛୁଟିଲା ପ୍ରଶଂସାର ସହ। ଏବଂ କଟକଣା ଭିତରେ ସରିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ବାବା ମହାଦେବ, ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ଯୁଗଳ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ଦେବଦମ୍ପତି। ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏ ବାବଦରେ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିଥିବା କିଛି ସୂତ୍ର ଦର୍ଶାଇଛି। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୋଜନା ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଛୋଟ ସହରରେ କୋଭିଡ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଉଛି, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। ପୀତାମ୍ବର, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛୋଟ ସହରରେ ଯେଉଁଠି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି, ଖାସ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଗିଡ଼ିବାର ଦେଖାଦେଇଛି, ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ବୁଷ୍ଟ କୁହାଯାଇପାରେ? ଅପୂର୍ବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏ 2 ବର୍ଷ କଥା, ଯଦି ବିଗତ ବର୍ଷ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର କରୋନା ମହାମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଆଣିଦେଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବତାକୁ ଦେଖି କେମିତି ସରକାର ତାକୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରୋତ ପାଲଟିବ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ବା ଯେଉଁ ଋଣ କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ରହିବେ, କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେମିତିକି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବେ, ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର, ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଅପୂର୍ବ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ କଥା କହିବା, ତା ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ। ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ଯଦି କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଣିବେ ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟରର ଯେଉଁ ରଖାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ଆସିପାରିବ ଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର କଥା କହିବା, ବିଶେଷ କରିକି ଯଦିଓ ପୂର୍ବ ଭାରତ କଥା କହିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରମାନଙ୍କରେ କମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କହିବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁବିଧା କଥା କହିବା, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଯେତିକି ବି ନିୟୋଜିତ ହେବା କଥା ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନହେବା, ଏ ସବୁ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ
केन्द्र सरकार दृष्टि दौंस विशेष करके कोरोना महामारी समय रे एमती गोटे गोटे जिते महामारी आसे से स्वास्थ्य भित्तिभूमि दुर्बल हो जाए तो ताकू नहीं कि वर्तमान समय केमी स्वास्थ्य भित्तिभूमि को सबल करमी जो भाई भाव में केन्द्र सरकार पदक्षेप नौकरी समस्त गोटे लक्ष्य रोला के स्वास्थ्यभूमि किसीटा मात्र सुधार आसीपार आ गोटे कथा कह अपूर्व जितेबले कि अर्थराशि अन्य पटे आउ गोटे अर्थराशि आग को घोषणा हो पाए गोटे प्रकार सूचना मिलूँ तो निश्चित भाव केन्द्रमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट केन्द्र सरकार घोषणा के घोषणा पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ मैंने आकलन करुँच खासकर छोट सहर में जो भाव स्वास्थ्यावस्था बिगड़ी स्वास्थ्य भित्तिभूमि इनफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं ताकि सुदृढ़ कर बे सहायक है बहुत बहुत धन्यवाद पीतांबर नाग आम ब्रह्मपुर प्रतिनिधि एने पूरा अपडेट देते तेबे अपूर्व आम जमी सबुदिन सत्य सका जड़े अतिथि को डाकी था विषय में चर्चा करके सहित गपसप कर आम सका आहुरी सतेज करने गीत हो कि एक्सपीरियंस विषय से आम सहित सेयार करती आम आलोचना करती आज आम सहित जी अच्छा सी होती कुन्नी प्रतिभा आखे जो टैलेंट क्या कह भरपूर टैलेंट ओडिशा ठार आरंभ कर मॉडर्न पर्यंत से डांस करती एमती कि जातीय स्तर में राज्य स्तर से अनेक पुरस्कार रितिका महापात्र रितिका आम सहित जोड़ी सारे रितिका गुड मॉर्निंग आउ केमती अच्छा मुं भल अछि हां रज पालन करछ तमे नुवा ड्रेस करथिले घरे हां केते सोई बहुत भल भाबरे पालन करिछ कोन कोन कलर रज रा को कहबो मु रज दोली भी खेली छी कोन सब कलर रज रे रज रे मु पिठा खाइली दोली खेलिली आउ बहुत भल भाबरे मेहंदी लगेली पुनी डांस भी करली पुच्ची भी खेलली मते बहुत भल लागले मैं सब कर देछ तमे रजरे पिठा खाइछ दोली खेलिछ डांस भी करिछ गीत गाइन हां गीत त बहुत भल से गाइछि हां देखा हम पे गोटे गीत गाइबो हम जो दर्शक माने वर्तमान अछन जो माने टीवी रे आपन को देखुछन तम को देखुछन देबे से मैंने चाहूँ रितिका गोटे गीत गाँ तो आम रितिका गीत शुणु ठीक अच्छे सत कह चका की होई छी तोहरा सत कह चका की होई छी तोहरा मन मारी बसी अछु हेलु की बा पथरा मन मारी बसी अछु हेलु की बा पथरा सत का चका की होई छी तोहरा सत का चका आखी की होई छी तोहरा बहुत सुंदर रितिका पोटी भोगो थैंक यू बहुत सुंदर रितिका बहुत बढ़िया गीत गाउ छ तमे रितिका तमे बेक करे जोटा नेकलेस लगे जे मते दब सेटा बहुत सुंदर है छी हां आज्ञा आज्ञा ओके थैंक यू रितिका सकल कोन खाइ छ एपर्यंत किछि खाइनी अच्छा खाई ना घरे दे ना दिखाइबा पई नाही खाई भी किछि खाइनी एपर्यंत ओके रितिका मामा बाबा को भीतर कहा को बेसी भल पांती के कहा को अपन बेसी भल पांती मां को कई बाबा को गई कि नय बाबा को वे भलो पाए एदा मिच्छ कहलो जलो कथा कहबो बाप्पा न नै मां नहीं नहीं बापा को टिके वाला भाई मां को बेसी वाला भाई अच्छा टिके बेसी ताल रहउछ नै कि रितिका तमे पा वेस्टर्न डांस मध्य करो मॉडर्न डांस मध्य करो ओडिसी नृत्य मध्य करो कोडा भल लाग कला बळे अधिका मते भल लागे वेस्टर्न डांस काट सिखिछ आगे सिखिछ काटू वेस्टर्न डांस पे सिखिछ सेटा मते भल लागे के रितिका गुरु के कहां ठरो अपन सिखिछंदी डांस रिंकू सर बाखर सिखिछ अच्छा ओके तबे रितिका
ପାଠ କୋଉଥିରେ ପଢୁଛୁ? ଏବେ ତ ସ୍କୁଲ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ଅଛି, ପାଠ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ଏଇନା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ରିତିକା, ସାଙ୍ଗ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ପୁଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗ କେତେ ଜଣ, ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗ କେତେ ଜଣ? ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ରଜରେ ବହୁତ କମ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ସାଙ୍ଗ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନିନି। ରିତିକା ତମେ ଦୋଳି ଖେଳିଥିଲ ରଜରେ? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ? ଚାରି ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ରିତିକା, ତମେ ଟାଇକୁନ ଜାଣିଛ ପା? ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି? ଟାଇକୋଣ୍ଡୋରେ କିକ୍ ମରାଯାଏ, ପଞ୍ଚ ମରାଯାଏ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଲଣି କିକ୍ ଆଉ ପଞ୍ଚ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ସାରିଛି ତାର। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ଶିଖିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯଦି ତମ ଭଳି ଆଉ କିଏ ଛୁଆ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଶିଖିଲେ କ'ଣ ତାକୁ ଲାଭ ମିଳିବ? କ'ଣ ଫାଇଦା ହବ? ଲାଭ ସେଇଟା ରହିବ କି ଯାହା ବି ଯଦି କି ଗୋଟେ ଦୁଶ୍ମନ ଥିବ ତୁମର, ତୁମେ ତାକୁ କିଛି ବି କରି ତ ପାରିବନି ନା। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଶିଖିନଥିବ? ଯଦି ତୁମେ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ବି ଶିଖିଥିବ, ପଞ୍ଚ ମାରିପାରିବ, କିକ୍ ମାରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଲ୍ଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆମର ଫେଭରେଟ କିକ୍, ଆମ ଫେଭରେଟ କିକ୍ ହେଲା ଦୋଲିଓ ଚେଗି। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା କେମିତି ମାରନ୍ତି ଦେଖେଇ ପାରିବ ନା? ଦେଖି ହବନି ବି ପେଟକୁ ମରାଯିବ ନା ମୁହଁକୁ? ଏଇଟା ପେଟକୁ ମରାଯିବ, ମଝି ପଞ୍ଚ ମାରିଲି ପେଟକୁ ମରାଯିବ। ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚ ଅଛି ଟାଇକୋଣ୍ଡୋରେ? ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚ ଅଛି। ଟିକେ ଦେଖେଇବ କି? ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରିତିକା ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ କେମିତି କେମିତି ସବୁ ମରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ତ ମୁଁ ପଞ୍ଚ ଜାଣିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଇଟା ବ୍ଲକିଂ ଛେ, ଯଦି ତୁମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପେଟରେ ବ୍ଲକ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ହାତଟା ସପୋର୍ଟକୁ ଯିବ ତାର। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ଆଉ ଯଦି ଯିଏ ମତେ ଗୋଟେ ଫେସ, ହଁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ମତେ ଫେସରେ ମାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଉପରକୁ ବ୍ଲକ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ତା ହାତ ଉପରକୁ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ଏବେ ବସି ଯା ଆରାମସେ, ଭୋକ ହବନି, ଖାଇନ, ଭୋକ ହବନି, ତମେ ବସିଯା ଆରାମସେ। ଏବେ ରିତିକା, ରିତିକା ତମେ ରଜ କୁଇନକୁ ଯାଇଥିଲ ନା? ଆଜ୍ଞା। କେମିତି କ'ଣ ସେଠି ସବୁ ହେଲା? ମୁଁ ଆଗେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ହେଲା, ମତେ ଫୁଲ ମିଳିଥିଲା। ଫୁଲ ମିଳିଥିଲା ସେଠି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଲ ତମେ? ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲି ଡାଲଖାଇରେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ମତେ ଡାକିଲେ, ତାପରେ ସେ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ନେବ, ଚକୋଲେଟ୍ ନେବ ନା ଫୁଲ ନେବ? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମତେ ତ ଫୁଲ ନେଇତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ମତେ ତ ତୁମକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତାପରେ ସେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲି, ସେ କହିଲେ ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ନେଇକିନା କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଅ, ଦେଇକିନା ମତେ ଫୁଲ ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆଇଲି, ହକ୍ କଲି, ତାପରେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିଲି, ତାପରେ ଗଲି। ଓକେ ରିତିକା, ବ୍ରେକ୍ ନେବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା, ପୁଣି କଥା ହବା ଫେରିକି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣେଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ୟାମ ପ୍ରୀତି ଜାଣୁ ନାହିଁ କି ଏକାନ
ओके बहुत बढ़िया गाउछ रितिका तुम बहुत बढ़िया गीत गाउछ हां ठीक अछि ब्रेक समय हलाने हमकु ऊपर ऑर्डर आसले ब्रेक नवा को खूब शीघ्र आसूच तुम पाकु पुणी गीत सुनबु तुमठू एवं कोन कोन सब पुरस्कार जितछ ताहा मध्य कहबो एवं आगु को कंठशिल्पी हबो सिंगर हबो ना डांसर हबो कोन हबो ताहा मध्य आलोचना करबा रितिका सहित बहुत स्वीट गेस्ट आम सहित जन अच्छी रितिका महापात्र माने बहुत ही आम सकाळ आहुरी सतेज हेगला वास्तविक रितिका को आमे गेस्ट हिसाब डाकी छे आउ गीत मध्य सुनिबा आउ तांको स्वीट स्वीट वॉइस रो आउ किछि कुनी कुनी कथा मध्य सुनबा किंतु ब्रेक नै जबा तो ब्रेकफर पुणि थे स्वागत सत्य सकाल आम सहित आज जन क्यूट अतिथि अच्छा नाम हूँ रितिका महापात्र रितिका एकाधारे अनेक टैलेंटर अधिकारी से चित्र आंकती से गीत गाती से ओडिसी डांस करती से मॉडर्न डांस करती रितिका आउ कौन सब कर तुम यह बात आउ मु टाइकेंडो करथिली सोर रे अछि सर आउ जन को भी बहुत जन को सिखांती सेत लेगी से सोर रे सिखांती आउ केबे केबे से आस्क मते घरे सिखांती तांको बहुत दूर थेत लेगी से आउ आसुनांती ओके रितिका तमे बहुत अवार्ड पाइछ सब आप जमी अपूर्व जमी कहते आप गीत गाती नृत्य करती या सहित चित्र आंकती केते वर्तमान पर्यंत आप पुरस्कार पाई ओडिशा केते परफॉर्मेंस करते पुरस्कार पाइले वर्तमान पर्यंत बहुत प्रकार पाई आओ स्टेट लेवल चैंपियन आओ जो मेडल भी पाई सेटा टाइकेंडो रे पाई सेटा ला गोल्ड मेडल लिस्ट अछि मु अच्छा टाइकेंडो रे ऑल ओडिसा रा आउ रितिका तमे बड़ो हेले कोन होबो ड्राइंग रे पाई मो एम अछि आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस एक्ट्रेस अभिनय जणा अछि एक्टिंग करि परछ गोटे डायलॉग कहि परिबो बे मने अछि किछि डायलॉग कहि परिबो हां देखिया 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 गोटे छोटोटे मैं झांसी की रानी इस धरती माँ की बेटी हूँ मैं इन अंग्रेजों को मेरी झांसी नहीं दूंगी मैं झांसी की रानी प्रतिज्ञा लेती हूँ जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूरी झांसी की सेवा करूँगी मैं वो मसाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी हम लड़ेंगे कि आने वाली पीढ़ी आजादी का उत्सव मना सके जब बेटी उठ खड़ी होती है तो विजय बड़ी होती है झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी फर्जी पितना आप राज करना चाहते हैं और मैं अपनों की सेवा हर हर महादेव भाग फिरंगी भाग झांसी की रानी आ रही है वाह झांसी के सीरियसली अपूर्व माने एक्सट्रीमली टैलेंट निहांती बहुत टैलेंट अछि तांको पाखरे आ स्पेशली मु कहबे आज सकालटा हमरो बेसी सतीश जेगला रितिका को पाइके रितिका तम बेस्ट फ्रेंड के नहांती नहांती बेस्ट फ्रेंड के नहां तमरो गीत नाच चित्र ऐसु बेस्ट फ्रेंड तमरो ओके रितिका फेवरेट सिंगर के तुमरो कहा गीत तुमको बहुत भल लगे नेहा कक्कर हां नेहा कक्कर गोटे गीत गाई परिवो टिके गोटे पद गोटे लाइन अच्छा ठीक अच्छे ओके आराम स्कूल ओके रितिका के हीरो ओडिया रे के हीरो हीरोइन भल लागंती अभिनय करबा को इच्छा अछि माने भल त के लागुतिबे निश्चय ओडिया रे मु त बेसी ओडिया नो हां अच्छा ओके बॉलीवुड रे के भल लागंती हिंदी रे
ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ସେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ନା ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ସିରିୟସ୍ଲି ଅପୂର୍ବ ସେ ଯେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ରୀତିକା, ନିହାତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଭଲସେ ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ରଖିବା, ତାକୁ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବା ଯେ ରୀତିକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିବ, ଆପଣ ଯିବେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବେ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଟିକେ ଆଗ ଖାଇବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ହେଲ୍ଦି ରହିଲେ ହିଁ ଆଉ ଯାହା ଯେଉଁ ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ କ୍ୟାରିଅରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ଏତିକି ବେଳୁ ତ ଆପଣ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ନାଁ କରନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ନାଁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନାଁ ଆଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ତମ ପାଇଁ ରହିଛି। ନିହାନ୍ତି ମାନେ ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ଏତେ ଭରପୁର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ନର୍ଭସନେସ୍ ରହୁଛି ବେଳେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ବି ନର୍ଭସନେସ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ବିଲକୁଲ, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ରୀତିକା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେବେ, ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ରୀତିକାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ପରିଚିତ କରାନ୍ତୁ। ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ସେ ପରିଚିତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହେଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ନାଁ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ସମୟ ସରିଛି, ସତେଜ ସକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।